बरेड़ी के सकरस गांव में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जलालुद्दीन की पिटाई की जा रही है। जलालुद्दीन ने चंद्रपाल के खेत में काली तुरई तोड़ी थी, जिससे नाराज चंद्रपाल ने जलालुद्दीन की बेरहमी से पिटाई की और हाथ पैर बांध दिए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चंद्रपाल के खिलाफ पिटाई और जलालुद्दीन के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया है। मिर्जापुर पुलिस थाना जमालपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओड़ी के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई कथित लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण हुआ। लूट की घटना निकली फर्जी, कर से परेशान एजेंट ने झूठी साजिश रची थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी के पास से 16.73 लाख रुपए बरामद किए हैं। जिला मुख्यालय स्थित एआरटीओ ऑफिस पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी ने औचक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कार्यालय के सभी कमरे चेक किए गए और लोगों से पूछताछ की गई। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और उसे कोतवाली लाया गया, जहां सीओ सिटी और एआरटीओ से पूछताछ कर रहे हैं। अपर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता ने एआरटीओ कार्यालय की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई है। बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में मुस्लिम युवक की पुलिस द्वारा पिटाई, आरोप लगाने पर गुस्साए भीड़ ने हंगामा और नारेबाजी की। सीओ थर्ड अनिता चौहान ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और कार्रवाई का आश्वासन दिया। चिरगांव महोत्सव समिति द्वारा आयोजित 8वीं कांवड़ यात्रा में शाम का गाजे बाजे और भव्य रथ यात्रा के साथ चिरगांव से ओरछा के लिए रवाना हुए। ओरछा में बेतवा नदी में स्नान कर भंडारा प्रसाद वितरण किया और कांवड़ भरकर चिरगांव की ओर लौटे। यात्रा के दौरान सभी कांवड़िया उत्साहपूर्वक झूमते हुए 51 किलो और 101 किलो तक की कांवड़ उठाते नजर आए। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सहारनपुर पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 वांछित लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उन्नाव के सरकारी विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों को झाड़ू लगाते हुए दिखाया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय रतईपुरवा में बच्चों के हाथों में झाड़ू पकड़ा गया, जबकि शिक्षा का काम उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा रहता है और शिक्षक शासन के अनदेखी आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। मामले में 4 शिक्षक की मनमानी सामने आई है। झांसी की विजौली स्थित दरगाह हजरत कमाल शाह बाबा के मजार के अंदर पानी भर गया, जिससे जायरीनों को अंदर जाने में कठिनाइयां हो रही हैं। कुछ दिन पहले दरगाह के सामने पानी की लाइन बिछाई गई थी, जिसे ठीक से बंद नहीं किया गया, जिससे गंदा पानी मजार के अंदर भर गया। दरगाह के खादिम ने मरम्मत की जल्द आवश्यकता की मांग की है। सौरभ बब्बर, जो किशनपुर के साई ज्वेलर्स के मालिक थे, का शव हरिद्वार को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगनहर में मिला। सुसाइड नोट में सौरभ ने कर्ज की समस्या का हवाला देते हुए सुसाइड किया। उनकी पत्नी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सुसाइड नोट पर 10 अगस्त की तारीख और फोन कैमरा का टाइम 1:23 लिखा है। सौरभ और उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से लापता थे। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव की किशोरी से रेप के प्रयास में गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने तीखा हमला बोला है। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि सपा अपराधियों का समर्थन करती है और अब बलात्कारियों की पार्टी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के बड़े नेता पहले लड़कों की गलतियों को बहाना बनाते थे, अब बच्चियों की अस्मिता से खेल रहे हैं। पाठक ने अयोध्या मामले का भी जिक्र किया। आजमगढ़ के नगर पंचायत जायरीन में कोयरिया पोखरे के निर्माण कार्य में लाखों भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि 47 लाख रुपए की स्वीकृति के बावजूद ठेकेदार ने मानक के अनुसार निर्माण नहीं किया, जिससे पोखरा बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज में किशोरी से रेप के प्रयास के आरोप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जेल भेजे गए। पीड़िता के बयान न हो पाने के कारण उसकी जमानत नहीं हो सके। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला विशेष न्यायालय में चल रहा है और अगली सुनवाई 14 अगस्त को पूरी होगी। पूर्व प्रमुख ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया कि ये पूंजीपतियों की साजिश है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। शिवपाल यादव को कटहरी सांसद, अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर सांसद, वीरेंद्र सिंह को माझवा, चंद्रदेव यादव को करहल और इंद्रजीत सरोज को फूलपुर प्रयागराज का प्रभारी बनाया गया है। कानपुर में शंखनाद पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक हिंदू ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की से लूटपाट, रेप और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में शराब की दुकान पर चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए इवान हॉस्पिटल भेजा गया। भोपा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत के बाद पार्टी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त से 10 सितंबर तक प्रदेश भर में छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश रामकरण निर्मल महोवा पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।